Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत आज का व्याख्यान असंदत विक्रेता या अनपेट सेलर के ऊपर है माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल का संक्रमण होना या विक्रेता से क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरण होना एक महत्वपूर्ण घटक है जब हम माल विक्रय अधिनियम के अनुबंधों को देखते हैं विशेषकर इसके प्रावधान धारा चार जो कि माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की संविधा को स्थापित करते हैं और उसकी परिभाषा खंड को बताते हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि माल विक्रय की संविधा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कारक हैं पहला विक्रय का होना और दूसरा विक्रय के करार का होना विक्रय का अर्थ होता है कि जहाँ माल में की संपत्ति का अंतरण क्रेता को तुरंत हो जाता है जबकि विक्रय के करार का सामान्य अर्थ है कि माल में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी शर्तों के अधीन या किसी आगामी समय में होना है लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की संविधा में चाहे वह विक्रय पूर्ण हो चुका हो निष्पादित हो चुका हो या अभी इसका निष्पादन किया जाना हो और अभी वह करार की अवस्था में हो दोनों ही तत्वों को हम माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत रखते हैं इसीलिए माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत विक्रय और विक्रय करार दोनों ही शामिल हैं इस प्रकार यह सशर्त भी हो सकती है और पूर्ण भी हो सकती है जिसका उल्लेख धारा चार की उपधारा दो में भी किया गया है और इन दोनों के बीच में अंतर भी स्पष्ट तरीके से दिए हुए हैं माल विक्रय की संविधा के अंतर्गत विक्रय और विक्रय करार दोनों ही शामिल है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों ही एक ही है बल्कि दोनों के अपने अपने अलग विषय हैं दोनों के अपने प्रभाव हैं और दोनों में जोखिम का अंतरण भी अलग अलग अवस्थाओं में निर्धारित किया जाता है इसीलिए धारा चार की उपधारा तीन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि धारा चार एक के प्रावधानों के अंतर्गत अर्थात इस अधिनियम में जहां माल विक्रय के परिभाषा को बताया गया है उस परिभाषा खंड में चूंकि दोनों ही विषयों को रखा गया है इसलिए धारा चार की उपधारा तीन यह कहती है कि उस परिभाषा खंड में जहां दोनों ही तत्वों को शामिल कर दिया गया है यदि धारा चार की उपधारा एक को हम याद करने की कोशिश करें जिसमें अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि जहाँ विक्रेता द्वारा कीमत के भुगतान करने के बाद अर्थात जहाँ विक्रेता ने माल में की संपत्ति का अंतर किसी कीमत के बदले कर दिया हो या कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण करने का करार किया हो यानी कि चाहे विक्रय कर देना या विक्रय का करार कर देना दोनों ही इस परिभाषा के अंतर्गत आता है इस प्रकार दोनों तत्व अलग अलग कैसे परिभाषित होंगे इसके लिए धारा चार की उपधारा तीन महत्वपूर्ण है जो यह कहती है कि जहाँ कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण हो जाता है उसे हम विक्रय कहते हैं और जहाँ कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण आगामी समय में या कुछ शर्तों के अध्यधीन होना है वह विक्रय का करार कहलाएगा ऐसे में इस अधिनियम के अंतर्गत जो अलग अलग विषय और अलग अलग प्रावधान रखे हैं जो हमने इस शीर्षक माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत दिए गए पुराने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में अलग अलग खंडों में चर्चा की उसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से क्रमिक ढंग से हमें समझने की आवश्यकता है जिससे हम आज के व्याख्यान की ओर आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत दो शब्द बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं माल विक्रय अधिनियम यानी कि यहाँ माल का होना महत्वपूर्ण है और विक्रय का होना महत्वपूर्ण है माल के होने का महत्वपूर्ण का अर्थ यह है कि जो संविदा के अंतर्गत जो विषय वस्तु है यानी माल विक्रय की संविदा करते समय पक्षकारों में जिस वस्तु के लिए संविदा हुई निश्चित रूप से वह माल की परिभाषा में शामिल होना चाहिए और माल की यह परिभाषा अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात में दी हुई है और दूसरा जो तथ्य आता है वह है विक्रय विक्रय के लिए यह स्थापित सत्य है कि यहाँ विक्रय का अर्थ माल विक्रय की संविदा से है और माल विक्रय की संविदा की चर्चा अभी हम लोगों ने की कि धारा चार की उपधारा एक में है और एक बार यह स्थापित हो जाए कि माल विक्रय की संविदा हुई है जिसमें चाहे विक्रय हुआ हो चाहे विक्रय का करार विक्रय के होने में और विक्रय के करार के होने में मुख्य अंतर क्या है यही मुख्य अंतर हमें यह स्थापित करने में योगदान देगा कि क्या कीमत की अदायगी कोई आवश्यक तत्व है या नहीं क्योंकि हमारा जो आज के व्याख्यान का विषय है वह है असंदत्त विक्रेता यानी कि एक ऐसा विक्रेता जो अभी असंदत्त है यानी जिसकी कीमत का भुगतान नहीं किया गया है तो क्या यदि कीमत का भुगतान नहीं किया गया है विक्रेता का अभी कुछ बकाया है तो क्या धारा चार के अंतर्गत यह माल विक्रय की संविदा पूरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी यद्यपि इसे हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में देखा है लेकिन एक संदर्भ के रूप में हमें यहाँ फिर समझना होगा कि हम जब भी विक्रय की बात करते हो या विक्रय के करार की बात करते हो दोनों को हमने विक्रय की परिभाषा के अंतर्गत माल विक्रय संविधान में रखा लेकिन दोनों के बीच में जो सीमा है, दोनों के बीच में स्थापित होने वाला अंतर है वह इस तथ्य से समझ में आएगा कि क्या माल में की संपत्ति का अंतरण हुआ अथवा नहीं हुआ यदि मालमे की संपत्ति का अंतरण हो गया है तभी विक्रय होगा माल में की संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ है तो वह मात्र विक्रय करार होगा लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो मुख्य अंतर दिख रहा है उसमें कहीं ऐसी चर्चा नहीं की गई कि यदि कीमत का अंतरण हुआ है तभी वह विक्रय होगा या कीमत का अंतरण नहीं हुआ है तो वह विक्रय करार होगा ऐसी कोई चर्चा नहीं है इसका मतलब यह बिल्कुल तत्वहीन है और बिल्कुल तथ्यहीन है ना इसका कोई सार तत्व है ना इसकी कोई आवश्यकता है कि माल के बदले कीमत का अंतरण किया जाए जब हम संविदा की परिभाषा देखते हैं तो संविदा में जब हमने प्रतिफल को देखा या संविदा को देखा तो संविदा में हमने आपको याद करना होगा धारा दो की उपधारा एच जहां कोई भी करार जो विधिता प्रवर्तनी है वह संविदा होती है और विधिता प्रवर्तनी करार होने के जब हम आवश्यक तत्वों की चर्चा करते हैं तो एक आवश्यक तत्व हमें प्रतिफल के रूप में मिलता है जो संविदा अधिनियम की धारा टू डी में परिभाषित है और जिसकी आवश्यकता को धारा 25 में दिया गया है बिल्कुल उसी तथ्य को यदि हम माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत रखें तो हम पाते हैं कि यहाँ भी चूंकि एक प्रकार की संविदा ही हो रही है इसलिए प्रतिफल कारक के रूप में आवश्यक है और यहाँ प्रतिफल का अर्थ होता है कीमत क्योंकि जब हम धारा दो की उपधारा दस में कीमत शब्द की परिभाषा को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि प्रतिफल के रूप में दिए जाने वाला धन ही कीमत है लेकिन धारा चार में परिभाषा खंड को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कीमत के बदले जब माल में की संपत्ति का अंतरण होना है यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत सार तत्व माल में की संपत्ति यानी स्वामित्व के अंतरण पर निर्भर करता है कीमत के अंतरण पर नहीं यानी सारभूत रूप से अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विक्रय हुआ है या विक्रय का करार हुआ है या इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा कि उसमें कीमत का अंतरण हुआ है अथवा नहीं हुआ यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्वामित्व का अंतरण हो जाए विक्रय पूरा हो जाए लेकिन क्रेता द्वारा उसके बदले में प्रतिफल के रूप में दिया जाने वाला धन अभी बकाया हो तो ऐसी अवस्था में एक विक्रेता के पास क्या अधिकार होगा वह अपने मूल्य का जो उसने कीमत के की रूप में प्राप्त करनी थी उस संपत्ति में माल के संपत्ति में अंतर के बदले वह उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकता है इसकी चर्चा इस व्याख्यान के अंतर्गत अनपेड सेलर या एक ऐसे विक्रेता के रूप में की गई है जो असंदत थे इस प्रकार हमने अभी इस व्याख्यान की कड़ी में जो अंतिम व्याख्यान इसकी पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा था कि जोखिम का वहन अगर किया जाता है जोखिम का वहन करने में किस प्रकार निर्धारण किया जाएगा जोखिम किसके साथ होगा तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर भी माल में की संपत्ति का अंतरण महत्वपूर्ण होता था क्योंकि यही इस बात को बताता था कि जिस प्रकार माल में की संपत्ति का अंतरण जिस व्यक्ति के तरफ या जिस पक्षकार के पास जाएगा जोखिम भी उसी के पास चला जाएगा और इसीलिए जोखिम माल की स्वामित्व के साथ जाता है यानी कि किसी भी माल के संबंध में स्वामित्व एक बड़ा अधिकार होता है और स्वामित्व का अधिकार सभी व्यक्तियों के पास नहीं हो सकता लाल डेनिंग को आप याद कीजिए जिन्होंने एक बात में कह दिया कि संपत्ति की सुरक्षा के लिए यदि कोई कानून या कोई सिद्धांत सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह यह है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट और ये वही सिद्धांत थे जो हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में जिसकी हमने चर्चा की थी और उसमें यह पाया था कि एक व्यक्ति अपने से अच्छे स्वामित्व का या अपने से अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता यानी एक व्यक्ति सिर्फ उतने ही हक का अंतरण करने का अधिकारी है जितना हक उसके पास विधिक रूप से मौजूद है यानी कि यदि कोई माल चोरी का है या कोई माल किसी व्यक्ति ने कहीं से पड़ा हुआ पाया है तो यदि उसे किसी अन्य क्रेता को बेचता है या बेचने का करार करता है ऐसे में भले ही वह क्रेता इस बात से अनभिज्ञ हो और उसे सद्भावनापूर्वक कार्य करके उसने कीमत की अदायगी की है लेकिन फिर भी उसे जो हक प्राप्त होगा वह अच्छा पर, हक प्राप्त नहीं होगा ऐसा आंग्ल विधि के दिए गए नेमोडट हैबिट के सिद्धांत से परिलक्षित होता था लेकिन दूसरी तरफ अभी हम जिस संपत्ति के सुरक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं व्यापारिक संविधाओं में सावधानी पूर्वक कार्य करने वाले क्रेता को कहाँ सुरक्षा मिले उसके लिए जो दूसरा सिद्धांत आया कि इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए अधिनियम में कुछ प्रावधान होने चाहिए इसलिए धारा सत्ताईस के साथ साथ उसके अपवादों को भी शामिल किया गया जिसे हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा अब इन अपवादों को अगर आप ध्यान में रखें तो हम अभी तक एक ऐसे सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे जो सावधानी पूर्वक कार्य करने वाले क्रेता के लिए हो यानी एक ऐसा क्रेता जिसने माल के लिए उचित कीमत अदा की हो और जिसे कीमत के बदले स्वामित्व का अच्छा अंतर प्राप्त होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि जिसने उसे स्वामित्व का अंतर देना था उस व्यक्ति ने एक अच्छा हक धारण नहीं किया था ऐसे में एक सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले क्रेता को विधि क्या उपाय या उसके लिए क्या उपचार दे सकती है उन्हीं उपचारों में से एक उपचार नेमोडेट क्विनन ने हैवेट के अपवाद हो गए था लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन क्रेता सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें उस विक्रेता के अधिकार की भी चर्चा करनी चाहिए जो कि माल में की संपत्ति का अंतरण करने के बाद अपने स्वामित्व का अंतरण करके स्वामित्व से विहीन हो जाते हैं और एक बार स्वामित्व से विहीन होने के बाद उस माल पर उस माल के संदर्भ में उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता है और फर्ज कीजिए कि यदि क्रेता द्वारा उसके बदले किसी कीमत का भुगतान नहीं किया गया है तो इस प्रकार विक्रेता को क्या अधिकार उपलब्ध होंगे इसी की व्याख्या के लिए आज के व्याख्यान का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह इस बात को समझना कि माल के अतिक्रमण या संक्रमण होने के बाद यदि कोई कीमत जिसकी अदायगी क्रेता द्वारा विक्रेता को करनी थी वो नहीं होती है तो ऐसे विक्रेता के अधिकार या हैसियत के बारे में क्या उपबंध किए गए हैं यानी कि इस अधिनियम में जो कि एक व्यापक कानून है जो बिक्री के संदर्भ में खरीदार और विक्रेताओं के अधिकारों को विनियमित करता है इसमें सभी प्रकार के चल वस्तुओं पर लागू होने वाले जो विक्रय की संविदा या उसके करार से संबंधित प्रावधान हैं वो चाहे पूरे कीमत पर बेचे गए हों कम कीमत पर बेचे गए हों या उधार पर बेचे गए हों या ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जहां बिना किसी कीमत के भुगतान के माल में स्वामित्व का अंतरण हुआ है ऐसे में इस प्रकार होने वाले असंदत्त विक्रेता के पास विधिक रूप से कौन से उपचार उपलब्ध हैं इसी की व्याख्या इस व्याख्यान खंड में है क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि विक्रय की संविदा कोई सामान्य संविदा नहीं है विक्रय की संविधा एक ऐसी संविदा है जहाँ कीमत के बदले माल का अंतर किया जाना है और कीमत का तात्पर्य धारा दो की उपधारा दस के अनुसार उस प्रतिफल से है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धन के रूप में किया जाना है यद्यप की कीमत के रूप में जो धन दिया जाना है वह तत्काल भी दिया जा सकता है या कुछ समय के लिए मुतलवी भी किया जा सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि धन का कुछ भाग दे दिया जाए अग्रिम धन के रूप में लेकिन कुछ धन का भुगतान बाद में किया जाए ऐसी अवस्था में जब कीमत का भुगतान नहीं होता है तब विक्रेता एक असंदत्त विक्रेता के रूप में या अनपेड सेलर के रूप में काम करता है और एक असंदत्त विक्रेता होने के कारण विधि ने उसकी सुरक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए हैं ऐसे में एक असंदत्त विक्रेता को क्या अधिकार दिए गए हैं किस प्रकार ऐसे असंदत्त विक्रेताओं की हितों की रक्षा की जा सके और उनके बकाए की वसूली के लिए सुविधाओं के रूप में उन्हें क्या क्या अधिकार और उपचार उपलब्ध हैं इसे हम विक्रेता के असंदत्त विक्रेता के रूप में मिलने वाले अधिकारों के रूप में समझ सकते हैं अगर हम इस अधिनियम के उपखंडों को देखें तो सामान्य रूप से जो अधिकार एक असंधत विक्रेता को मिल सकते हैं वह एक सामान्य अधिकार किसी भी संविदा के पक्षकार पक्षकार को मिलने वाले पक्षकार की भांति हो सकता है जहां एक व्यक्ति को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध मिलने वाला अधिकार जैसे कि हाँ पर दूसरा पक्षकार क्रेता है तो क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार है क्रेता के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा की जा सकती है यदि कोई नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी के बदले यदि कोई हरजाना पाना है तो उस हरजाना पाने के अधिकार के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण माल के विरुद्ध अधिकार के रूप में यानि हमको इसी बात को समझना होगा कि किसी असंदत विक्रेता को जो मिलने वाले अधिकार हैं हम उन्हें दो श्रेणी में रख सकते हैं जो प्रथम श्रेणी है वह ऐसे अधिकारों के बारे में चर्चा करती है जो किसी क्रेता के विरुद्ध उपलब्ध हैं और दूसरा उन अधिकारों की चर्चा की जा सकती है जो माल के विरुद्ध हैं यानी ऐसे अधिकार जिनका अनुप्रयोग वह माल के सापेक्ष कर सकता है यानी विक्रेता अपने बेचे गए या अपने द्वारा अंतरित किए जाने वाले माल के संदर्भ में किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है इसे हम माल के विरुद्ध अधिकार या माल के विरुद्ध प्राप्त अधिकार या उससे संबंधित उपचारों के रूप में समझ सकते हैं लेकिन इन अधिकारों या इन उपचारों की चर्चा करने के लिए सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि हम असंदत विक्रेता की परिभाषा को समझें सामान्य रूप से तो असंदत विक्रेता को हम जहाँ तक समझते हैं एक ऐसा विक्रेता जिस पर अभी कुछ धन बकाया है क्योंकि धारा चार की उपधारा एक के अनुसार चाहे विक्रय हो चाहे करार हो दोनों ही परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा या तो माल में की संपत्ति का अंतरण कर दिया गया होगा या माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाने का करार किया जाना है लेकिन जो एक सामान्य दोनों ही बातों में महत्वपूर्ण कॉमन फैक्टर जिसे आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं वह यह है कि इसके लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को कीमत की अदायगी करनी होगी और तथ्यगत प्रश्न यहाँ यही है कि यदि कीमत की अदायगी नहीं की गई तो क्या हम उस विक्रेता को असंदत विक्रेता मानेंगे जी इसी असंदत विक्रेता को इसी प्रश्न के सकारात्मक उत्तर को प्राप्त करने और उनसे संबंधित अधिकार और माल के संदर्भ में मिलने वाले उपचार को इस अधिनियम की धारा ४५, छियालीस और साथ में अड़तालीस उनचास से लेकर के धारा चौवन तक पहत किया गया है, लेकिन आज के इस व्याख्यान की जो महत्वपूर्ण खंड है हम सिर्फ असंधत्त विक्रेता को समझने की कोशिश करेंगे और उनको प्राप्त होने वाले धारणाधिकार की चर्चा करेंगे अधिकार क्या होता है इसे इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम इस बात को समझने कि असंदत्त विक्रेता किसे कहते हैं या असंदत्त विक्रेता की परिभाषा के रूप में धारा 45 के उपखंड पर हमें देखना होगा धारा 45 जो माल विक्रय अधिनियम 1930 के उपखंड में असंदत्त विक्रेता को परिभाषित करती है शाब्दिक अर्थों में यह बताती है कि माल का विक्रेता इस अर्थ के अंतर्गत असंदत्त विक्रेता समझा जाएगा जबकि की पूरी कीमत का संदत्त या निविदत्त ना कर दी गई हो और दूसरा जबकि विनिमय पत्र या अन्य पराक्रम में लिखत सशर्त संदाय के रूप में प्राप्त हुई हो यानी कि ऐसी शर्त पर जिस पर वह प्राप्त हुई थी लिखत के अनादर के कारण वह अन्यथा पूरी ना हुई हो यानी धारा 45 जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत असंदत विक्रेता को परिभाषित करती है उस परिभाषा खंड को देखें तो इस परिभाषा ने समग्र रूप से किसी विक्रेता को असंदत विक्रेता की श्रेणी में डाल लिया है यानी इस परिभाषा ने ऐसा नहीं कहा है कि असंदत विक्रेता को किस को कोई अलग श्रेणी को मान लिया जाए मतलब कोई भी विक्रेता किसी विभिन्न श्रेणियों का नहीं हो सकता कि कोई संदत्त है या कोई असंदत्त है सामान्य रूप से विक्रेता का अर्थ वही है जो इसके परिभाषा खंड के अंतर्गत या यहाँ पर विक्रेता के अधीन रहते हुए जिसे हम विक्रेता मानते हैं और एक विक्रेता विक्रेता ही रहेगा उसकी स्थिति संदत्त या असंदत्त हो सकती है यानी कि इसको और सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि कब किसी विक्रेता की स्थिति असंदत्त विक्रेता के रूप में समझी जानी चाहिए और उसका उत्तर धारा 45 की उपधारा एक से स्पष्ट होगा कि कोई भी विक्रेता जिसे माल में की संपत्ति का अंतरण करने के बदले कीमत का भुगतान होना चाहिए था इस परिभाषा के अंतर्गत ऐसा विक्रेता अनपेड सेलर या असंदत्त विक्रेता कहेगा यदि कीमत जो उसे प्राप्त होनी चाहिए थी वह पूरी कीमत नहीं दी गई है इस परिभाषा खंड में धारा 45 के प्रथम भाग के अगर का उपचार को देखें तो इसमें इस स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि असंदत्त विक्रेता का तात्पर्य ऐसे विक्रेता से है जिसे पूरी कीमत की अदायगी नहीं की गई है इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि मान लीजिए उसे कुछ कीमत दे दी गई है तो क्या वह संदत्त विक्रेता हो जाएगा नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पूरी कीमत में रंच मात्र भी यदि एक नया या एक रुपए भारतीय रुपए में भी यदि बकाए कीमत के रूप में रखा जाएगा तो हम ऐसे विक्रेता को असंदत्त विक्रेता की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे यानी कि जबकि की पूरी कीमत संदत्त या निविदत्त ना कर दी गई हो अच्छा एक व्यापारिक अनुक्रम में जो सबसे बड़ा व्यापार का तरीका होता है कि हम धन में मूल्य का या कीमत का भुगतान करने के बजाय अन्य विधियों से भी कीमत का भुगतान करते हैं उदाहरण के लिए जो पराक्रम में लिखत होते हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त पराक्रम में लिखत हैं विशेषकर चेक चेक एक ऐसा पराक्रम में लिखत है जो सार्वजनिक रूप से जो व्यवहारिक रूप से और जो व्यापारिक रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला व्यापारिक इंस्ट्रूमेंट या उपखंड है अर्थात इसके द्वारा एक सामान्य समव्यवहार में जो वाणिज्यिक समव्यवहार होता है कीमत की अदायगी की जाती है और यह प्रचलन में भी चलता है लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या पराक्रम में लिखत का भाग होता है जिसके द्वारा मात्र यह अधिकार मिल जाता है कि दूसरे व्यक्ति को उस पर लिखी कीमत की अदायगी हो जाए अर्थात यह त्वरित भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में इस संदर्भ में कैसे इस अधिकार की संरक्षा हो कि जो भुगतान है वह भुगतान पूर्ण भुगतान हो चुका हो इसी तथ्य को शामिल करने के लिए और विक्रेता को इस तथ्य के अंतर्गत लाभ देने के लिए या संरक्षा देने के लिए धारा 45 की उपधारा एक के खंड खा में स्पष्ट किया गया कि जबकि की कोई कीमत की अदायगी किसी विनिमय पत्र या पराक्रम में लिखत के द्वारा शर्त के रूप में की जाने वाली हो तो जिस शर्त से वह प्राप्त हुई है यदि लिखत के अनादर के कारण वह पूरी नहीं हुई है तो विक्रेता असंदत्त विक्रेता कहलाएगा यानी सामान्य रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो विक्रेता की हैसियत रखता है उसने किसी क्रेता की हैसियत रखने वाले व्यक्ति को अपने किसी माल में की संपत्ति का अंतरण कर देता है और माल में की संपत्ति का अंतरण कर देने के बदले क्रेता द्वारा उसे एक चेक द्वारा भुगतान किया जाता है और चेक के भुगतान में या स्पष्ट किया जाता है कि जब इस चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा तब वह व्यक्ति उस माल के कब्जे को प्राप्त करने का अधिकारी होगा तो इसमें यदि ऐसे तथ्य या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि चेक का अनादर हो जाता है या किसी अन्य परिस्थिति के कारण चेक द्वारा भुगतान संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो विक्रेता की स्थिति होगी खंड के अनुसार धारा 45 की उपधारा एक के खंड बा में यह भी विक्रेता होते हुए असंदत्त विक्रेता की परिभाषा में शामिल किया जाएगा इसे विभिन्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति आ ने किसी अन्य व्यक्ति बा से कोई कुर्सी या कोई माल चार हजार रुपये की रुपये या किसी भी दे धनराशि के लिए करता है तो इसमें तीन परिस्थितियां हो सकती हैं पहली परिस्थिति हो सकती है कि उस पूरे ही मूल्य का भुगतान बा द्वारा एक को कर दिया जाए दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि उस मूल्य में से कुछ हिस्से का भुगतान विक्रेता को, दुण को कर दिया जाए और तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि बी यानी विक्रेता को क्रेता द्वारा किसी भी प्रकार के मूल्य का भुगतान करने से इनकार कर दिया जाए इन तीनों ही परिस्थिति में हमें दो बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या कुर्सी का विक्रय हुआ या नहीं हुआ अब ऐसे में हमने देखा कि आ द्वारा बी को कुर्सी बेची गई बेची गई जाने का मतलब है कि विक्रय हुआ और विक्रय होने का मतलब है कि माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया यानी कि इन तीनों ही परिस्थिति के लिए सामान्य उत्तर यह yeah है कि तीनों ही परिस्थितियों में विक्रय हो रहा है और विक्रय होने के कारण पहला पक्षकार जो माल में की संपत्ति का अंतरण कह रहा है उसे हम विक्रेता शब्द में शामिल कर रहे हैं अब तीनों परिस्थितियों को हम अलग अलग देखें तो पहली परिस्थिति जहां पर माल का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया तो विक्रेता पूर्ण विक्रेता यानी विक्रेता की हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ विक्रेता विक्रेता रहा और उसे मूल्य का भुगतान मिला दूसरी और तीसरी परिस्थिति में जहां पर मूल्य का भुगतान कुछ किया गया या मूल्य का भुगतान कर देने से क्रेता द्वारा मना कर दिया इन दोनों ही परिस्थिति में विक्रेता विक्रेता की हैसियत में तो है लेकिन विक्रेता की हैसियत में होने के बावजूद भी उसे कीमत की अदायगी ना होने से वह असंदत्त विक्रेता की हैसियत में है और असंदत्त विक्रेता की हैसियत में होने के कारण इस अधिनियम के इस अध्याय में जो भी अधिकार और उपचार हैं वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे और विधि द्वारा उसे संरक्षा की जाएगी और यह धन के मामले में भी हो सकता है और हमने देखा धारा 45 की उपधारा एक के खंड बा में या किसी पराक्रम में लिखत पर भी निर्भर कर सकता है जैसे मान लीजिए कि ए ने बी से एक टेलीविजन सेट खरीदा हो जिसका भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को चेक के माध्यम से किया जाना हो लेकिन यदि किसी कारणवश चाहे वो चेक की किसी दोष के कारण या अकाउंट में किसी पैसे या धनराशि की अनुपलब्धता के कारण उस चेक का अनादर हो जाता है तो ऐसी अवस्था में विक्रेता असंदत विक्रेता के पद पर रखा जाएगा यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम इस अधिनियम को पढ़ रहे थे तो इस अधिनियम के प्रारंभिक खंड में हमने पक्षकारों की चर्चा की थी और पक्षकारों की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि चूंकि संविदा में कम से कम दो पक्षकार होते हैं और उसी के सापेक्ष माल विक्रय की संविधा में भी दो पक्षकार होते हैं पहला पक्षकार जिसे हमने क्रेता के रूप में समझा था जिसकी परिभाषा दो की उपधारा एक में थी और दूसरा पक्षकार हमने विक्रेता के रूप में समझा था विक्रेता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसे धारा दो की उपधारा तेरह के अंतर्गत यह कहा गया कि विक्रेता का अर्थ वह है जो अपने माल को या किसी वस्तु को क्रेता को बेचने पर सहमत हो जाता है या बेचता है और बेचने का करार करता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माल को बेचना या बेचने का करार किया वह विक्रेता कहा जाएगा सिर्फ इतनी सी परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों के सापेक्ष हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन जब इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 45 में एक विक्रेता की चर्चा कर रहे हैं तो हम असंदत विक्रेता की चर्चा करने के दौरान आप धारा 45 की नीचे के भाग को आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि विक्रेता पद के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो विक्रेता की स्थिति को धारित करता हो यानी कि वह विक्रेता की स्थिति में हो यानी कि मान लीजिए कि एक अभिकर्ता जिसे पृष्ठांकित वहन पत्र दिया गया या पारेस के रूप में दिया गया या एक अभिकर्ता जिसने कीमत स्वयं दी है वह ऐसी कीमत पाने के लिए उत्तरदायी है यानी कि एक व्यक्ति जो विक्रेता है जो उस माल की संपत्ति का स्वामी है जिसने उसको बेचा है वह तो विक्रेता हुआ ही लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहाँ पर माल का विक्रय उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता सीधे जो उस माल का स्वामी हो इसीलिए हम लोगों ने इस व्याख्यान को शुरू करने के पहले पूर्ववर्ती व्याख्यान का एक संदर्भ लिया क्योंकि पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने इस बात को पढ़ा कि वो कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जबकि माल के स्वामित्व का अंतरण विक्रेता के द्वारा करने के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सके और उस परिस्थितियों की चर्चा करते हुए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम धारा 27 की चर्चा कर रहे थे विशेषकर धारा 27 के दिए गए परंतुक की चर्चा कर रहे थे तो उस परंतुक में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता है वाणिज्यिक अभिकर्ता का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा अभिकर्ता जिसे अधिनियम की धारा दो की उपधारा नौ के अंदर परिभाषित किया गया है यानी अगर कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता जो इस अधिनियम की दो की नौ के अंतर्गत परिभाषित खंड के अंतर्गत आता है यदि विक्रय उस व्यक्ति द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया है तब ऐसे में वह भी उस मूल्य को पाने का हकदार होगा क्योंकि संव्यवहार उसके द्वारा किया गया है यानी अगर किसी पारे पारे के अनुक्रम में यदि किसी विक्रणकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा पारेशित करके किसी मूल्य को चुकाने का या प्राप्त करने का विक्रेता ने अगर कोई निवेदन या निर्देश या आग्रह किया है तो वह व्यक्ति जो स्वयं उस माल की संपत्ति का मालिक नहीं है लेकिन वह चूंकि विक्रेता के लिए विक्रेता के निर्देशों पर विक्रेता के सामान्य कारोबार के अनुक्रम में वाणिज्यिक अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है तो इस परिभाषा खंड के अंतर्गत जब हम असंदत विक्रेता की परिभाषा को देखते हैं तो यहां विक्रे शब्द के अंतर्गत इस व्यक्ति को भी शामिल कर लिया जाएगा और वह ऐसी कीमत प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा एक दृष्टांत से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मिस्टर मिस्टर ए ने बी से कोई मशीन या कोई युक्ति खरीदी और उस युक्ति को ए द्वारा बी को पहुंचाने के लिए एक अभिकर्ता सी को प्रयोग में लाया गया यानी द्वारा बी को जब पारेसर के अनुक्रम में उस संपत्ति को पहुंचाया जाना था तो सी को निर्देश दिया गया कि सी उस परिस्थिति में उस मशीन को बी तक पहुंचाए और उसके बदले कीमत को प्राप्त करे जब सी उस मशीन को लेकर के बी के घर पहुंचता है तो ए का यह दायित्व तो है कि वह सी को उस कीमत का भुगतान करे अगर यहाँ सी को उसकी कीमत का भुगतान नहीं मिलता है और विधिक रूप से वह प्राधिकृत व्यक्ति है जो कीमत पाने के लिए उत्तरदायी है तो ऐसे में विक्रेता पद के अंतर्गत यहाँ विक्रय ना करने के बावजूद भी सी को विक्रेता के पद में हम रखेंगे और चूँकि कीमत का भुगतान नहीं हुआ है तो विक्रेता के रूप में यह एक असंदत विक्रेता के रूप में कहा जाएगा और असंदत विक्रेता के रूप में प्राप्त होने वाले अधिनियम के सभी उपचार और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए वह अधिकारी होगा इस प्रकार एक जो असंदत विक्रेता है उसका अर्थ सामान्य खंड में इस प्रकार हम कर सकते हैं कि यदि माल की पूरी कीमत का भुगतान ना किया गया हो या कीमत का जो कुछ भाग है उसका भुगतान कर दिया गया हो और शेष कीमत को अभी असंदत्त विक्रेता को देने के लिए निविदित कर दिया गया हो यानी कि अभी जो कीमत का भुगतान है उसमें ऐसी कीमत को भी हम प्राकृतिक रूप से मान रहे हैं जो इस अधिनियम के खंड में दिया गया है कि यदि में लिखत के रूप में किसी कीमत या विनिमय पत्र के रूप में किसी कीमत का भुगतान कर दिया गया हो तो जब तक कीमत का भुगतान नहीं हो जाता ऐसा विक्रेता असंदत्त विक्रेता है लेकिन जैसे ही वह रकम प्राप्त होगी वह असंदत विक्रेता सामान्य संदत्त विक्रेता के रूप में हो जाएगा और संदत्त विक्रेता जैसे किसी शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं हमने सिर्फ एक ही शब्द का इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग किया है कि विक्रेता विक्रेता की कोई अन्य श्रेणी नहीं है विक्रेता एक असंदत्त विक्रेता हो सकता है जबकि उसे जो कीमत मिलना चाहिए उसका भुगतान नहीं हुआ है और कीमत का भुगतान संदत्त हो जाने के बाद पुनः वह असंदत विक्रेता विक्रेता के सामान्य अधिकारों के तहत विक्रेता खंड में आ जाता है जिसे धारा दो की उपधारा तेरह में परिभाषित कर दिया गया यानी कि विक्रेता के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो विक्रेता की स्थिति में हो अब हमको फिर से यहां समझना पड़ेगा कि विक्रेता शब्द की परिभाषा क्या है धारा दो की उपधारा तेरह में जो परिभाषा दी गई है वह इस अधिनियम में सामान्य रूप से विक्रेता खंड को परिभाषित करने के लिए की गई है लेकिन धारा पैंतालीस में हम जिस विक्रेता की बात कर रहे हैं वह सामान्य विक्रेता नहीं बल्कि एक ऐसा विक्रेता है जिसे कीमत का भुगतान नहीं किया गया है और इस संदर्भ में यदि हम विक्रेता की बात करें धारा 45 के संदर्भ में तो विक्रेता का अर्थ ऐसे विक्रेता से भी है जो वास्तविक विक्रेता की स्थिति को प्राप्त कर लेता यानी यदि विक्रेता का कोई अभिकर्ता है जिसे वहन पत्र पृष्ठांकित या इंडोर्स करके दिया गया है या पारेषण के अनुक्रम में कोई अभिकर्ता जिसने स्वयं कीमत दे दी है वह कीमत प्राप्त करने के लिए सीधे उत्तरदायी होगा और धारा दो की उपधारा तेरह के अंतर्गत जो विक्रेता की परिभाषा दी गई है जिसमें विक्रय करने पर या विक्रय करने का करार करने पर सहमत व्यक्ति विक्रेता के रूप में आते हैं इस प्रकार असंदत्त विक्रेता हुए उन सभी व्यक्तियों को शामिल कर लिया गया जो उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो असंदत्त विक्रेता की अधिकार को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी इसे हम एक तो छोटे उदाहरणों से अगर देखने की कोशिश करें तो एक वाद हमें लक्ष्मी लाल बनाम पारसराम के वाद में देखने को मिलता है। लक्ष्मी लाल बनाम पारस राम वाद में एक क्रेता ने मूल्य के बदले में एक हस्ताक्षर युक्त विनिमय पत्र दिया और विक्रेता द्वारा जो उस उक्त मूल्य का जो मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विक्रेता के पास ऋण देने का लाइसेंस नहीं था मतलब बहुत तार्किक रूप से एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को पृष्ठांकित करके मूल्य को दिया और उस मूल्य के बदले उस पृष्ठांकित दस्तावेज को दिया और जो दूसरा व्यक्ति था जिसे उसकी कीमत की अदायगी करनी थी अपने कीमत की अदायगी करने से अपने को बचाने के लिए उसने बचाव में क्या कहा कि जिस व्यक्ति से मैंने पैसा लिया था उधार लिया था उस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं था वो किसी और को ऋण देता तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा इस बात या इस तर्क की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि लाइसेंस था या नहीं था क्योंकि यदि उधार के आधार पर कोई संव्यवहार किया जाए तो उसे ऋण के समतुल्य नहीं माना जा सकता और ऐसी अवस्था में उधार के आधार पर जो समव्यवहार हुआ उसमें उस व्यक्ति को जब तक कीमत की अदायगी नहीं की जाएगी वह असंदत्त विक्रेता के रूप में रहेगा इसी प्रकार एक अन्यवाद मेसर्स प्रीति लोटीलिकर बनाम मेसर्स एवेन्यूज मार्केटिंग के बाद में एक क्रेता ने कुछ कंप्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम धनराशि का भुगतान कर लिया और अग्रिम धनराशि का भुगतान करने के बाद जो शेष धनराशि थी उसका भुगतान करने में वह असफल रहा लेकिन इस दौरान जो कंप्यूटर की जो राशि थी वह घट गई मतलब किसी परिस्थितियों के कारण जिस मूल्य पर उसने कंप्यूटर को प्राप्त करने के लिए कीमत की अदायगी की थी न कि पूर्ण कीमत की अदायगी की थी बल्कि कुछ कीमत की अदायगी की थी उस कीमत में जो बाकी कीमत देने के लिए वह असफल हो गया था अब उसके पास चूंकि मूल्य घट चुका था तो उसने एक प्रस्ताव रखा कि कम कीमत पर माल को बेचा जाए न्यायालय ने यह माना कि कम कीमत पर माल बेचा जाना है यह एक नया प्रस्ताव है लेकिन जो संव्यवहार अभी तक हुआ उस समव्यवहार के हिसाब से जो मूल्य या कीमत देने में विक्रेता को क्रेता असफल रहा तो जब तक उसके निविदत्त या संदत्त नहीं कर दिया जाता यह विक्रेता असंदत्त विक्रेता के पद में ही रहेगा और उसे वो सभी अधिकार और उपचार उपलब्ध होंगे जो एक असंदत्त विक्रेता को एक क्रेता एक क्रेता के विरुद्ध प्राप्त होते हैं इसी प्रकार जे एल लाइन्स बना में बेकर के बाद में एल नाम की एक कंपनी ने साइटिक एसिड के क्रिस्टल एक जो एसिटिक एसिड की मोड के कुछ क्रिस्टल हैं उसने पी नाम के एक व्यक्ति को बेचा और पी नाम के एक व्यक्ति ने एक अन्य कंपनी बी को उस साइटिक के जो क्रिस्टल हैं उसको बेच दिए लेकिन जो संविदा की गई थी और उसमें जिस तरह के माल की अपेक्षा की गई थी माल उस श्रेणी का नहीं था और माल उस श्रेणी का नहीं होने के कारण संविदा को या तो निरसित कराने का प्रावधान या तो उस संविदा को ख़त्म करके उसमें होने वाली नुकसानी का प्रभाव करने के लिए जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत पी ने एल कंपनी से जो एल था उसको पैसे दे करके उस माल को वापस करने का अनुरोध किया एल ने माल वापस लेकर पी को दाम को लौटाने के लिए सहमति भी व्यक्त कर दी और एल इस बात पर सहमत हो गया कि उसे माल लौटा करके वह उन पैसों का भुगतान वापस कर देगा लेकिन पी ने एम एंड बी कंपनी को जिसने बाद में और माल के एग्रेसर किया था उसे लॉद लौटाने के लिए एक चेक दिया लेकिन इस चेक का भुगतान नहीं मिल सका इसलिए जब दाम वापस नहीं किए गए तो बिना माल के एम एंड डी कंपनी ने माल लौटाने से इनकार कर दिया लेकिन इस बाद में यह न्यायालय ने निर्धारित किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे और न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना कि जिस व्यक्ति ने माल खरीदा है और उसे लौटाकर अपने दाम वापस लेना चाहता है वह असंदत विक्रेता की स्थिति को ग्रहण कर लेता है अब असंदत विक्रेता की परिभाषा के बाद हमें इस अधिनियम में उन सभी प्रावधानों को देखना होगा जो असंदत विक्रेता के अधिकारों को बताते हैं लेकिन इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सामान्य रूप से मात्र धारणा अधिकार की चर्चा करेंगे तो धारणा अधिकार को समझने के पहले हम यह देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक असंदत्त विक्रेता के कौन कौन से अधिकार हैं या इस अधिनियम के अंतर्गत उसे कौन कौन से अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं इस अधिनियम के और किसी तत्मय प्रवृत्त के अधिनियमों के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए जहाँ पर कोई माल में की संपत्ति क्रेता को हस्तानांतरित हो जाती है माल के संदत्त विक्रेता के नाते उसके कुछ अधिकार होते हैं उन अधिकारों को धारा 46 की उपधारा एक में खंड का खा और गा में रखा गया है इस अधिनियम के अगर प्रावधानों को देखें तो खंड का में स्पष्ट रूप से यह हमें दिखता है कि माल पर कीमत तक धारणाधिकार जब तक उस पर कब्जा रहता है दूसरे उपखंड खा में क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात भी अभिवहन में उसे रोकने का अधिकार और तीसरा पुनर्विक्रय का अधिकार जैसा कि इस अधिनियम द्वारा परिसीमित कर दिया गया है यानी कि यदि इस अधिनियम की धारा ४६ को हम देखें तो धारा ४६ के उपखंड एक में उन अधिकारों की चर्चा की गई है जो एक असंदत विक्रेता को असंदत विक्रेता होने के कारण प्राप्त होते हैं और एक असंदत विक्रेता को असंदत विक्रेता होने के कारण प्राप्त अधिकारों में धारा 46 की उपधारा एक के आधार पर तीन महत्वपूर्ण अधिकारों की चर्चा किया जाना आवश्यक हो जाता है इन तीन अधिकारों में जो सबसे पहले जिस अधिकार की चर्चा की गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माल पर कीमत तक धारा अधिकार तक उस पर कब्जा बनाए रखना यानी कि अब हमें इस बात को समझना है कि यह अधिकार किसके लिए है तो यह अधिकार एक असंदत्त विक्रेता के लिए है और असंदत्त विक्रेता होने का तात्पर्य कि पहले वह विक्रेता है और विक्रेता होने का तात्पर्य अधिनियम की धारा चार के उपखंड तीन के अनुसार विक्रय का तात्पर्य है कि जहां माल में की संपत्ति का अंतरण हो चुका हो यानी कि इस खंड के अधीन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माल या वस्तु के स्वामित्व का अंतरण कर दिया है और दूसरी तरफ धारा 45 असंदत्त विक्रेता को परिभाषित करते हुए कहती है कि असंदत्त विक्रेता का अर्थ है एक ऐसे विक्रेता से जिसकी पूरी कीमत का या कुछ कीमत का भुगतान नहीं हुआ यानी कि धारा 46 की उपधारा एक के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उसमें यह एक स्थापित सत्य है कि यह अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो असंधत्त विक्रेता के श्रेणी पर या उसके द्वारा स्थापित इस शब्द के अंतर्गत शामिल होगा और उसे प्राप्त होने वाले उपचार और अधिकार में पहला अधिकार यह है कि वह माल पर कब्जा बनाए रखे। इसके लिए तकनीकी रूप से धारणा अधिकार के शब्द का प्रयोग किया गया है और धारणा अधिकार को स्पष्ट करते हुए धारा छियालीस की उपधारा एक के खंड का में सिर्फ इतना ही कहा गया कि माल पर कीमत तक धारण अधिकार जब तक उसका कब्जा रहता है यानी कि इस खंड को हम तीन भाग में अलग अलग हम अगर विभाजित करके देखने की कोशिश करें तो माल पर कीमत तक यानी कि यह जो अधिकार है वह माल पर होता है यानी उस विषय वस्तु पर होता है जिसे बेचकर विक्रेता विक्रेता शब्द के अंतर्गत आ रहा है दूसरा अधिकार और वह अधिकार जो माल पर कीमत तक माल को रोकने का जो अधिकार है उसके लिए तकनीकी रूप से जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे हमने कहा वह धारणा अधिकार है लेकिन यह कब तक इसे भी परिसीमित कर दिया गया है कि जब तक उसका कब्जा रहता है यानी कि इस खंड को हम दूसरे तरह से अगर समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आएगा कि एक असंदत्त विक्रेता को अपनी कीमत को प्राप्त करने के लिए माल पर धारणा अधिकार बनाए रखने का अधिकार है और धारण अधिकार का तात्पर्य है उस माल को धारण करने का अधिकार और उस माल को धारण करने या रोकने का अधिकार कब जबकि दो बातें या दो शर्तें पूरी हो पहला कि वह असंधत्त विक्रेता हो और दूसरा माल पर उसका कब्जा हो यानी कि एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए कि का जो एक असंधत्त विक्रेता है उसने माल में की संपत्ति का अंतरण कर दिया है और माल में की संपत्ति का अंतर करने के बाद उसने माल का कब्जा भी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है तो क्या वह धारणा अधिकार का प्रयोग कर सकेगा इस परिभाषा के अंतर्गत जो पहले अधिकार जिसे हमने धारणा अधिकार देखा उनके शब्दों को अगर हम फिर से पढ़ें तो माल पर कीमत तक यानी माल पर किया जाना है और कीमत तक किया जाना है धारणाधिकार का प्रयोग लेकिन कब तक जब तक उसका कब्जा रहता है यानी धारणाधिकार का प्रयोग करने के लिए माल पर कब्जा बरकरार रखना जरूरी है इसलिए हम जिस परिस्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पर माल में की संपत्ति का अंतरण होने के साथ साथ माल के कब्जे का भी अंतरण हो गया वहां धारणाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता यानी धारणाधिकार का तात्पर्य यहां ऐसे अधिकार के बारे में है जब विक्रेता के पास माल का कब्जा बरकरार रहता है दूसरे अधिकार के रूप में धारा 46 के खंड बा के दिवालिया हो जाने की दशा में माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात अभिवहन में रोकने का अधिकार यानी कि इस अधिकार को भी समझने के लिए हम इसके तीन हिस्से करते हैं सबसे पहला हिस्सा क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में यानी यह तो निश्चित है कि इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है और पूर्ववर्ती शर्त क्या है कि क्रेता दिवालिया हो चुका हो फिर माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात यानी कि इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए दूसरी शर्त क्या है कि माल अब कब्जे से बाहर निकल चुका है लेकिन तीसरी शर्त है उसे अभिवहन में रोक देने का अधिकार यानी तीसरी शर्त अभिवहन में रोक देने का अधिकार यह स्पष्ट करती है कि माल विक्रेता के जो असंधत्त विक्रेता की परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है उसके कब्जे से बाहर तो निकल चुकी है लेकिन अभिवहन या रास्ते में ही है अभी उसका कब्जा किसी अभिकर्ता के माध्यम से या प्रत्यक्ष माध्यम से अभी क्रेता को प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी दशा में यदि वह क्रेता दिवालिया हो जाता है तब रास्ते में उस माल को रोककर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार विक्रेता का द्वितीय अधिकार है इसे सामान्य शब्दों में रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार के रूप में हम समझ सकते हैं और तीसरा अधिकार धारा 46 की उपधारा एक के खंड में दिया गया जिसे पुनर्विक्रय का अधिकार कहते हैं पुनर्विक्रय का अधिकार जैसा कि इस अधिनियम द्वारा परिभाषित है इसका अर्थ है कि पुनर्विक्रय का अधिकार का अर्थ किसी असंदत्त विक्रेता को माल को पुनः बेचने का अधिकार होगा लेकिन पुनः बेचने के अधिकार के लिए आवश्यक क्या है कि क्या माल का स्वामित्व उसके पास हो या माल का कब्जा उसके पास हो अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि हम विक्रेता की चर्चा कर रहे हैं तो विक्रेता की चर्चा से स्पष्ट है कि अब स्वामित्व तो उसके पास रह नहीं गया अगर कुछ होगा भी उसके पास तो शायद माल का कब्जा हो तो क्या माल का कब्जा रहने पर वह धारणाधिकार का प्रयोग करेगा या पुनर्विक्रय कर देगा इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर पारिस्थित जन्य प्रश्न होंगे और इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके सापेक्ष उनकी सीमा में रहकर इस अधिकार का प्रयोग किया जाना है इसीलिए लिखा हुआ है पुनर्विक्रय का अधिकार जैसा कि इस अधिनियम द्वारा परिसीमित है और इस प्रकार एक असंदत्त विक्रेता के रूप में जो प्राप्त होने वाले अधिकार हैं धारा 46 के आधार पर हम उन्हें तीन श्रेणियों में बांटते हैं जो पहला अधिकार है उसे सामान्य भाषा में धारणाधिकार कहते हैं जो द्वितीय अधिकार है उसे क्रेता के दिवालिया होने की दशा में माल पर कब्जे अलग करने के पश्चात अभिवान में रोकने का अधिकार जिसे हम देख रहे हैं इसे सामान्य भाषा में रास्ते में माल को रोके जाने के अधिकार के रूप में हम समझते हैं और जो तीसरा अधिकार है इसे हम पुनर्विक्रय के अधिकार के रूप में समझते हैं और आज के व्याख्यान में हम लोगों ने पहले ही ये स्पष्ट कर लिया है कि आज की व्याख्यान को हम लोगों ने धारणा अधिकार तक सीमित रखा है इसलिए इन तीनों ही अधिकारों में जो प्रथम अधिकार है धारणा अधिकार उसकी चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं इन अधिकारों के सापेक्ष एक ब्लॉसम बनाम सेंडर का वाद आया जिसमें जस्टिस बेले के शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे उन्होंने कहा कि मूल्य दिए बगैर माल का अधिपत्य लेने का कोई अधिकार नहीं हो सकता और विक्रेता मूल्य ले लेने का जो अधिकार होता है वह सिर्फ अधिकार तक सीमित नहीं है बल्कि माल का अधिपत्य दे देने पर समाप्त हो जाता है जबकि एक ऐसा अधिकार है कि उसके प्रारंभिक स्वामित्व से उत्पन्न होता है और माल का अधिपत्य प्राप्त करने के लिए क्रेता को माल का मूल्य देने की शर्त पूरी रखनी होती है यानी अगर जस्टिस बेले के इन शब्दों को देखें तो जस्टिस बेले ने जो एक विक्रय के कानून का जो विधि शास्त्र है उसको सारगर्भित रूप से समझाते हुए कहा कि यद्यप कि विक्रय की संविदा के पूरी होने के लिए आवश्यक यह नहीं है कि माल का भुगतान तुरंत कर दिया जाए या माल का भुगतान कि जो माल के बदले जो भुगतान करना हो उसको पूरी कीमत दे दी जाए या कब की जाए महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि माल में का स्वामित्व का अंतरण हो जाए लेकिन माल में के स्वामित्व का अंतरण हो जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि कीमत में कोई चूक कर दी जाए जब क्रेता को स्वामित्व का अंतरण किया जाना है तो क्रेता का भी दायित्व है कि उस संविदा को वैध पूर्वक प्रवर्तन में लाने के लिए उसकी कीमत का भुगतान कर दे इसलिए जो भुगतान पाने का विक्रेता का अधिकार है वह सिर्फ इस अधिकार तक सीमित नहीं है कि उसे माल पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है क्योंकि यदि हम उसे यहाँ तक सीमित कर देंगे तो इस अवस्था का तर्क हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जैसे ही वस्तु का कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को चला गया या कब्जा उसके हाथ से अलग हो गया तब धारणा अधिकार समाप्त हो जाएगा और धारणा अधिकार समाप्त होने के बाद वह अपनी कीमत नहीं प्राप्त करेगा लेकिन ऐसा नहीं है इसीलिए वेले ने कहा कि यह मात्र कीमत प्राप्त करने के धारणा अधिकार तक सीमित करके हमें नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे एक ऐसे अधिकार के रूप में देखना चाहिए जो प्रारंभिक स्वामित्व से उत्पन्न होता है और प्रारंभिक स्वामित्व तो किसका था प्रारंभिक स्वामित्व वास्तव में उस विक्रेता का था जिसने अपने स्वामित्व का अंतरण उस क्रेता को कर दिया इसलिए जो माल अधिपत्य है उसे प्राप्त करने के लिए यदि क्रेता को उसका अधिपत्य प्राप्त करना है स्वामित्व तो नहीं स्वामित्व तो तो विक्रेता होने के कारण विक्रेता ने दे दिया लेकिन प्राप्त वैध तरीके से करना है तो उसका दायित्व है कि कीमत में किसी भी प्रकार की चूक करने की बजाय वह उसके कीमत का भुगतान करे और यदि कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है तो एक असंदत्त विक्रेता इस अधिनियम में दिए गए अधिकारों और उपचारों का प्रयोग करते हुए अपने कीमत की अदायगी के लिए वाद ला सकता है या उससे संबंधित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तो इस प्रकार धारा 46 के प्रथम खंड में एक असंदत्त विक्रेता को दिए गए अधिकारों में प्रथम रूप से प्राथमिक तौर पर हमें तीन अधिकार देखने को मिले पहला धारणाधिकार दूसरा रास्ते में माल को रोकने का अधिकार और जो तीसरा अधिकार है वह पुनर्विक्रय का अधिकार लेकिन चूंकि हमारा व्याख्यान आज धारणाधिकार तक सीमित है तो हम आज सीधे धारा सैतालीस की चर्चा करेंगे जिसमें असंदत्त विक्रेता के अधिकार की चर्चा की गई है असंदत्त विक्रेता का धारणा अधिकार क्या है अधिकार किसे कहते हैं धारणा अधिकार की परिभाषा खंड को धारा सैंतालीस में समझने से पहले पुनः धारा छियालीस के शब्दों को हमें महत्व तो देना होगा क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि माल को कीमत के लिए कब्जे तक रोके रखने का अधिकार यानी अधिकार की यद्यप की कोई परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है लेकिन इसके शब्दों से एक आशय निकल कर आता है कि धारणा अधिकार का तात्पर्य है कि जब एक असंदत विक्रेता कीमत के भुगतान होने तक माल को अपने कब्जे में रोके रखता है तो ऐसे अधिकार को हम अधिकार कह सकते हैं और असंधत्त विक्रेता के अधिकार को धारा सैंतालीस में स्पष्ट रूप से विभिन्न शर्तों के साथ समझाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक असंदत्त विक्रेता का माल के जिसके ऊपर उसका कब्जा है किन दशाओं में वह कब्जा प्रतिधारित करने का आधार रख सकता है यानी कब तक उस कब्जा को धारण करने का अधिकार रह सकता है उसके लिए स्पष्ट उत्तर यह है कि जब तक कीमत संदत्त नहीं कर दी जाए या कीमत निविदत्त नहीं कर दी जाए यानी धारा सैतालीस के प्रथम खंड में धारणाधिकार की परिभाषा बताते हुए यह कहा गया कि एक असंदत्त विक्रेता के पास यह अधिकार है कि वह अपने माल को कब्जे में बनाए रख सकता है और तब तक कब्जे में बनाए रख सकता है जब तक उसकी पूरी कीमत का भुगतान नहीं कर दिया जाता जितनी कीमत पाने का वह हकदार है यानी कि इसको दूसरे शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो असंदत्त विक्रेता है जब तक वह असंद रहता है तब तक वह अपने माल पर कब्जा बनाकर धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और धारणाधिकार का प्रयोग करने के लिए उसे तब तक अधिकार है जब तक माल उसके कब्जे में है और उसे कीमत का भुगतान नहीं कर दिया जाता लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें धारणाधिकार के प्रयोग करने की अनुमति इस अधिनियम के अंतर्गत धारा सैंतालीस में दी गई है जिसमें अगर हम खंड का को देखें जहां की माल का विक्रय उधार के बारे में किसी अनुबंध के बिना किया गया है और दूसरा जहाँ की माल का विक्रय उधार पर किया गया है किंतु उधार की अवधि का अवसान हो गया है और तीसरा जहाँ की क्रेता दिवालिया हो गया है यानी कि इस अधिनियम में धारा सैतालीस पहले तो यह स्पष्ट करती है कि अधिकार क्या होता है और धारा सैतालीस के उपखंड ए में और बी और सी में यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार का प्रयोग कब किया जाता है तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समकिलित तो रूप से धारा सैतालीस में इस रूप में मिलता है कि एक व्यक्ति जो असंदत्त विक्रेता है अपने माल पर कीमत के भुगतान के लिए उस पर कब्जा या अधिकार बनाए रख सकता है जब तक कि की उसे कीमत अदा ना हो जाए और वह इस अधिकार को बनाए रखने के लिए तब तक अधिकारी है जब तक उसने बिना किसी उधार पर कोई माल देने का करार किए हुए बिना उसको माल दिया है और यदि उसने कोई ऐसा करार भी किया है कि वह उधार पर माल देने के लिए है तो उधार पर माल देने के लिए जो राशि दी गई है और जो समय दिया गया है जैसे ही वो समय समाप्त होगा जितने समय तक उधार दिया गया है तो उसके बाद पुनः यदि उसका माल पर कब्जा है तो धारणाधिकार बनाया रख सकता है और तीसरा जहाँ क्रेता दिवालिया हो गया है वहाँ भी वह असंतत्त विक्रेता माल पर अपना कब्जा बनाए रखकर धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है इस प्रकार जब माल उधार पर बेचा गया हो उधार की अवधि तक धारणाधिकार को परिसीमित किया जा सकता है और उधार की अवधि जब समाप्त हो जाए और माल विक्रेता के कब्जे में ही हो तो उसका पुनः से धारणाधिकार जीवित हो जाएगा सोम्स बनाम ब्रिटिश एम्पायर शॉपिंग कंपनी के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने स्पष्ट कह दिया कि जब विक्रेता को भुगतान दे दिया गया हो तब वह अधिकार की अवधि के खर्चे को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता और इस प्रकार असंधत्त विक्रेता के अधिकार को धारा सैंतालीस में परिभाषित कर दिया गया है लेकिन एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि जब किसी माल को चूंकि हमने देखा कि धारा 46 में और धारा सैतालीस से स्पष्ट हो गई कि जब भी धारा अधिकार बनाया रखना है तो माल पर कब्जा होना ही चाहिए विक्रेता ने जैसे ही माल पर अपना कब्जा खो दिया उसने धारणाधिकार खो दिया ऐसी विधिक व्यवस्था है ऐसे में एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि माल पर जो कब्जा है वह कुछ हिस्से पर कब्जा है और कुछ भाग का संदाय कर दिया गया है ऐसी अवस्था का वर्णन धारा अट्ठाईस में किया गया है जो भागिक परिदान के बारे में बताती है जहां की असंदत विक्रेता ने माल का भागिक परिदान कर दिया है वहां अपने धारणाधिकार का प्रयोग वह बाकी के बचे माल पर कर सकेगा यानी कि ऐसा भागिक परिदान जब ऐसी परिस्थिति में ना किया गया हो कि धारणाधिकार के अधित्यजन का करार दर्शित करे और असंदत विक्रेता ने माल का कुछ भाग क्रेता को दे दिया हो तो शेष पर वह का प्रयोग करेगा। जैसे बनाम रिचर्डसन के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तीन पार्सल विक्रेता द्वारा चाय के भेजे जाने थे लेकिन कुछ पार्सल अभी उसके पास थे और कुछ चले गए थे तो ऐसे में जो बचे हुए पार्सल हैं उस पर विक्रेता का कब्जा है और उसकी कीमत का भुगतान नहीं हुआ है तो उन बचे चाय के पार्सल पर वह धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और जब विक्रय के समय माल किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो और धारणा अधिकार के उद्देश्य से उस पर कब्जा बनाए रखना हो तो वह उस कब्जे को बनाए रख सकता है उस व्यक्ति को सूचना दे करके जो उस माल के लिए उपनिहिति का करार कर रहा है अब इसमें तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह धारणाधिकार समाप्त कब होगा इस धारणाधिकार के पर्यवसान कब होगा तो इस अधिकार के पर्यवसान धारा उनचास के अंतर्गत तीन दो परिस्थितियों में की गई है कि चूंकि वह असंदत्त विक्रेता है इसका मतलब कि वह संदत्त विक्रेता हो जाता है तो धारणाधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा अन्यथा एक सामान्य परिस्थिति में यदि उसने अपने धारणाधिकार का त्याग कर दिया है या जब क्रेता ने माल का कब्जा विधि पूर्वक प्राप्त कर लिया यानी कि विक्रेता के पास से माल चला जा चुका है और माल का जो असंदत्त विक्रेता जिस पर उसका अधिकार है इस कारण नहीं खो देगा कि उसकी कोई डिक्री उसने प्राप्त कर ली है और जो असंधत्त विक्रेता के जो धारणाधिकार हैं इस प्रकार जो वाहक हैं या एजेंट हैं उनको देने पर भी वह समाप्त हो सकते हैं या जो क्रेता है क्योंकि माल पर कब्जे के कारण उसे यह अधिकार है इसलिए जैसे ही वह कब्जा उसने क्रेता को दिया तो क्रेता को कब्जा देने से वह माल का अधिकार पर धारणाधिकार खो देगा या विक्रेता ने जानबूझ अपने अधिकार का त्याग कर दिया तो ऐसे तेजन के कारण भी धारा उनचास के अनुसार ऐसे धारणाधिकार की समाप्ति हो जाएगी लेकिन हमें धारणाधिकार और गिरवी में अंतर को समझना होगा हम जिस धारणाधिकार की बात कर रहे दावा को पूरा करने के लिए संपत्ति को अधिकार दिया जाता है और इस पूरे ही संदर्भ में हम असंत विक्रेता के कर्तव्य को भी हमें ध्यान में रखना होगा एक असंत्त विक्रेता का कर्तव्य है कि कीमत के बदले जो भुगतान किया जाना है चेक का अगर अनादर होता है तो उसकी सूचना नियमों के हिसाब से इनस्ट्रोबल एक्ट के हिसाब से दे और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करें इस प्रकार आज के इस हम व्याख्यान में हमने देखा कि एक असंत्त विक्रेता क्या है एक असंदत्त विक्रेता को कौन कौन से अधिकार हैं जिसके प्रथम अधिकार अधिकार की चर्चा की गई है शेष अन्य अधिकारों को हम लोग व्याख्यानों की अगली कड़ी में देखेंगे धन्यवाद